भोजपुर की ऐसी घटनाएं जो आपका दिल दहला दे। ऐसी खबर जो सबको हिला दे, जो हर पहलू से कराता हो रूबरू, जो सबके लिए हो खास, जो बताए भोजपुर की संस्कृति और साथ में भोजपुर का इतिहास। भोजपुर का दर्पण, भोजपुर दर्शन। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश तिवारी। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शहर के कई जगहों पर चलाया है। जिला प्रशासन ने शीश महल चौक से लेकर जेल रोड होते हुए रेलवे स्टेशन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें फुटपाथ पर लगे हुए कई और अतिक्रमण किए हुए कई दुकानदार व्यवसायियों पर भी अपनी दुकानें हटाने को कहा। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर जहां व्यवसायियों में काफी हड़कंप मच गई है, वहीं दूसरी तरफ पे अतिक्रमण हटने से सड़क चौड़ी भी हो चुकी है। जहां तक आपको बता दें कि अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था को लेकर भोजपुर दर्शन ने कई बार समाचार को प्रसारित कर जिला प्रशासन को अवगत कराया था। उसी उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। ₹70,12,000 की लागत से भोजपुर जिला में प्रेस क्लब का भवन का निर्माण किया जाएगा। उक्त बातें उप विकास आयुक्त ने पत्रकारों के साथ बैठक में किया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि सब बिहार सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक जिले में प्रेस क्लब भवन का निर्माण होगी, जिसके लिए
पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सारी प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत प्रेस क्लब को पत्रकारों के बीच सौंप दी जाएगी। और संपूर्ण भावनाओं का वो प्रतिनिधित्व करता है, सारे पत्रकारों की संपूर्ण सहभागिता होगी और वह जिला स्तरीय प्रेस क्लब होगा। प्रखंड से लेकर के अनुमंडल और जिला स्तर के तमाम जो पत्रकार होंगे उन सबों की बिल्कुल बगैर माता पर यही बताया गया है कि जितने प्रेस के लोग हैं उनका अपना डिसीजन है, आपको इसमें इंटरफेयर नहीं करना। पूरे प्रोसेस में आप लोग आपसी एग्रीमेंट से मतदाता सूची डिसाइड करिए, आप लोग खड़ा होगा, आपका टोटली आपका डिसीजन है, क्योंकि विभाग से इस संबंध में कोई गाइडलाइन आया नहीं है। और हम अपने मन से गाइडलाइन देंगे तो फिर तुरंत आप केस कर दीजिएगा, तो ये टोटली आपका डिसीजन है। हम चाहते हैं कि ये जल्दी हो जाए ताकि हम लोग ये ट्रांसफर कर दें। प्रोसेस जो पिछली बार क्वेश्चन उठा था तो बिल्डिंग यूज नहीं हो रहा है, ट्रांसफर हो जाए उसका प्रॉपर यूज हो सके, तो ये टोटली आपका डिसीजन है। हम लोग बस और प्रशासन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इसमें, आप लोग कराइए इसमें। हम लोग को जो सपोर्ट चाहिए होगा हम लोग सपोर्ट दे देंगे इसका, हॉल का हो गया, फोर्स का हो गया। सर लेकिन ये कहना होगा कि प्रशासन और पत्रकारों के बीच में एक कड़ी होते हैं जो जनसंपर्क विभाग है, तो लेकिन ये होता क्या सर कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक एक संस्थान के अंतर्गत में कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। आज की बैठक पत्रकारों को जानकारी देने के लिए थी कि जो प्रेस क्लब के भवन ट्रांसफर कराना है उसमें लीज अग्रीमेंट कराना है, तो पत्रकार समाज ही आपस में मिल बैठकर एक आदमी का चयन करेगा जिसको हम लोग लीज अग्रीमेंट करेंगे, इसी की जानकारी दी गई है। इसमें पत्रकार पूरी तरह स्वतंत्र हैं, इनको आपस में बैठना है, आपस में बैठकर चुनाव करना है। जिसका नाम ये चयनित करके सर्वसम्मति से दे देंगे या तो आपसी सहमति बना लें या चुनाव कर लें, इन पर डिपेंड करता है। जैसे ही दे देंगे वैसे ही हम लोग उसको लीज अग्रीमेंट करके ट्रांसफर कर देंगे। भवन सर आपकी तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही है? देखिए प्रशासन इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको भवन की जरूरत है, वीडियो रिकॉर्डिंग की, माइक की, पूरे प्रक्रिया में फोर्स की, किसी भी तरह की जरूरत है तो प्रशासन इसमें अवेलेबल कराएगा, लेकिन प्रक्रिया नहीं करेगा। में कोई ज्ञान मिलता है आप सब लोग जानते हैं, उनको अगर एक मान सम्मान हम लोग देंगे तो वो भी फील करेंगे। और इतने बड़े हॉल में बहुत इतना जगह है कि हमारे सभी भाई बैठ सकें, तो मेरा आग्रह होगा अगर आप लोग आता तय करने में उनको शामिल कीजिएगा तो खुशी होगी मुझे, नहीं आप लोग शामिल कीजिएगा तो कोई बात नहीं, कि उन लोगों को भी सुनिए एक मिनट उनको भी रखा जाए। अब क्राइटेरिया आप लोग क्या रखते हैं ये आप लोग तय करें। प्रस्ताव आए किसी एक व्यक्ति के सामने, जैसे यहाँ राकेश जी हैं, राजीव जी हैं, DPRO साहब हैं, हम लोग तय कर लें कि इसकी अगली बैठक कौन सा रखा जाए और अर्हता के संबंध में दो चार बातें आनी चाहिए कि कौन कौन सी अर्हता रखा जाए, कौन सी योग्यता रखी जाए, कि वहीं जो होंगे वहीं पीरियड रखा जाए, रजिस्ट्रेशन रखा जाए, आई कार्ड रखा जाए, या फिर स्वतः आप चार लोग जिसको कह दें कि चार मित्र सीनियर लोग कह दें कि ये पत्रकार हैं तो उसको आधार क्या है, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का चयन होता है, तो कोई एक आधार या दो आधार या तीन विकल्प दीजिए और उसमें से आप लोग चयन कीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि जो लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का 10 मिनट का समय बहुत सब लोग का कीमती है, एक आदमी अगर कोई बोलता है तो दूसरा सुने, कोई सदन नहीं है और उसके बाद अपना बोल। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन स्थानीय नागरी प्रचार सभागार में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उर्दू भाषा को बढ़ावा देने पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर आतंदूरी ने शेयर लिखा था कि अगर खिलाफ है बोले तो जान थोड़ी है,
अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मस्जिद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मस्जिद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। और ये शेर मैं तमाम तौशोकराम की हवाले से हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये शेर मैं कि कभी बंदूक गोली बम के आग को नहीं सकती, कभी बंदूक गोली बम के आग को नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसाद हो नहीं सकते। अब मदारिस इत्तेहाद और अमन की तारीफ देते हैं, जहां पैदा के कातलवादी हो नहीं सकते, जहां पैदा कभी आतंकवाद हो नहीं सकते। और गुलाबी और बिलादी रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता, बिलादी रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आदमी को हाफिज फसाद हो नहीं सकता। हमारे जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। मैं मुझे बहुत अच्छा सा वक्त मिला है, इन लोगों से वक्त में मैं नाश्ते तक मदरा आपके समाज दिवाली करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको सुन जाऊँगा। मैं मतलब हाजिर करता हूँ मदरा मैदान पर वसल्लम नबी की मोहब्बत से पेश कर रहा हूँ। ऐसा फरमाए कि आप शम्स दुहा, आप बदरू दुजा, आप शम्स दुहा, आप बदरू दुजा, किसी का नहीं और काब की छाव है, नूर का गांव है, काब की छाव का जो सेमिनार है, इसका आयोजन जो किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट राजभाषा डिपार्टमेंट के निर्देश के आलोक में भोजपुर ज़िला में एक कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जो है उर्दू के कार्यान्वयन, उर्दू के प्रचार प्रसार से संबंधित, साथ ही प्रोत्साहन राशि का भी वितरण करना, उसी प्रचार प्रसार के माध्यम का ही सशक्त माध्यम है, जो कल उर्दू सेल नोडल पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा जो है कल सिलेक्ट किया गया था बच्चे और बच्चियों को, जो आज प्रोत्साहन राशि जो है वितरण उनके हाथों किया गया है। इस प्रोग्राम का आयोजन जो है वो दीप प्रज्वलित कर SDO साहब ने दीप प्रज्वलित करके किया, और बच्चों के बीच में राशि और प्रशस्ति पत्र का भी वितरण किया गया, काफी बच्चे हुए नोडल पदाधिकारी द्वारा नाम मुतल किया जाएगा अपना नाम वसीम अशरफ उर्दू अनुवादक सदर प्रखंड नारा। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आपके शहर आरा में डिजनीलैंड मेला, जहां मिलेगा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, बाजार के साथ ही देशी विदेशी झूलों का संगम, टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला के साथ ही बच्चों के लिए जीप झूला, मारुति झूला,
घोड़ा डोला और हंसने कूदने के लिए मिक्की माउस। तो दोस्तों आप आए, सब परिवार आए और अपने दोस्तों एवं पड़ोसियों को साथ लाए। डिज्नीलैंड मेला रामनगर मैदान। MI मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने एग्जीक्यूटिव सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। MI मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें वालिया कम्प्लेक्स द्वितीय मंजिल करमंटोला आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हां, आसूस, एसर, डेल, HP, लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही HP, TVS, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें। आपका अपना देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरी मंजिल करमन टोला आरा। देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरा मंजिल करमन टोला आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रिशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर हॉस्पिटल रोड आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर हॉस्पिटल रोड आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स। आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भोजपुर दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कुसुम त्रिपाठी के अलावा प्रोफेसर डॉक्टर यूएस पांडे ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर कई महिलाओं ने जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं बहुत सी महिलाओं ने महिलाओं पर हो रही अत्याचार और आत्मनिर्भर बनने पर अपने विचार व्यक्त किए। पटना कोई बात
अपने गुरुदेव और सबसे पहले मतलब क्यों बनाया जाता है, मैं क्यों बनाया जाता है बताइए आज दिन, ताकि महिलाओं को सम्मान मिल सके। लेकिन क्या एक दिन सम्मान से हो जाएगा? नहीं, बराबर मिलना चाहिए। हाल की हाल में महिलाओं को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मन की जो जैसे लड़के जीते वैसे लड़कियों को जीना चाहिए। तो क्यों ना हम एक दिन के बदले हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाए, महिलाओं को सम्मानित करें। इसके आगे में बहुत सुंदर हर दिन, मैंने पहले ही कहा कि हर दिन नारी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे भी नारी सशक्तिकरण के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, कुछ गाने का, कुछ सुनाने का और कुछ करने का अवसर मिल रहा है। नारी क्या है? नारी कोमल कोमल भावनाओं की कालिंदी है। नारी नारी में ममता, दया, त्याग, करुणा, प्यार, समर्पण, सहृदयता, सहनशीलता, सौम्यता, सभ्यता, संस्कृति तथा सहयोग का मिश्रण व्यापक मात्रा में है। नारी क्षीर सुधा से सिंचित, सहस्त्र चक्र कलाओं से मंडित, स्फटिक शिला से निर्मित तथा अमीर रूप से अपना विभूषित प्राणी का नाम है, जो पुरुष को निद्रा, तंद्रा, सुषुप्ति, जागृति, विषाद तथा चेतन अचेतन अवस्था में उसके दिल की धड़कन, दृक दृक दृष्टि, जीने का मकसद, सृष्टि का सौंदर्य, मार्ग मंजिल एवं जीवन की अभिलाषा पर कर्तव्य प्रदर्शन करती है। जब नारी का उदर मुकुट प्रस्फुटित होकर उसके मातृत्व उपवन को अपनी कीर्तियों से मंडित करता है, तब क्या वह विश्व सम्राज्ञी से अधिक प्रसन्न तथा संपन्न नहीं होती? माँ ने हमें रचा है, जना है, जीवित किया है, जग में लाया है, हमने अपनी आंखें ममता मई माँ की गोद में खोली है। माँ का कर्ज यदि हमें विश्व सम्राज्ञी बना दे तो भी नहीं चुकाया जा सकता। दया की गंगा, ममता की यमुना, प्रेम की गंगोत्री तथा करुणा के कैलाश को वापस नहीं किया जा सकता। हम बीज रूप से वृक्ष रूप प्रदान करने का एक अधिक श्रेय माँ को ही दिया जाता है, नारी को ही है, ठीक है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि नारी के इस कृत्य के बिना हमने उसे क्या दिया है? नारी ने हमें बदल दिया, हमने उसे बदनामी दी, वह हमें प्यार से सिक्त करती रही, हम उसे प्यार की वस्तु मात्र समझते रहे, लोभ और लिप्सा की साम्राज्य बनाने का प्रयास करते रहे, वह हर पल खुजिया रही और हम सदैव उसे विनीता मानते रहे। नारी हमें मंदिर का भगवान मानती रही, हम उसे बाजार का सौंदर्य समझते रहे, उसी के कारण हम इस भव को ही नारी की साक्षरता मान रहे हैं। वह हर पल माँ का, देवी का, बहन की भूमिका में आने का प्रयास करती रही, हम हर क्षण उसे बाजार का सौंदर्य समझते रहे। वह हमें दया, ममता, प्यार, करुणा तथा सहानुभूति के पवित्र गंगा जल से सींचती रही, हम उसे दया, करुणा, त्याग का पात्र मात्र समझते रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। मिट्टी की जिस प्रतिमा का मनुष्य निर्माण करता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजा की जाती है, परंतु जिसमें प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ईश्वर ने किया है उसकी कोई पूजा नहीं करता, वो उपेक्षिता है, हेय है, पतन का कारण है। हम महिलाएं और लड़कियां तो पुरुष शोषित समाज की बेजुबान प्राणी और नागरिक हैं। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसने हमको बुलाया हमारा गुरु का, ये हम ही है कुछ, ये हमारा गुरु का काम है, उन्होंने बुलाया यहाँ, जो कुछ करने का मौका मिला। और हमें जो ऐसा लगता है कि महिला दिवस क्योंकि पुरुष दिवस क्यों नहीं बनाया जाए, क्योंकि पुरुष के बिना हम अकेले नहीं जी सकते। ये सारी व्यवस्था जो है पुरुष भाई करते हैं, हम महिलाएं घर में हैं। अच्छी बात है कि महिलाओं को हम सहयोग करें, अच्छे से उनको सम्मान दें, अच्छे से रखें, उनकी सुविधाओं का ख्याल करें। बहुत सारी चीजें हैं और करते हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो अपने
अपनी औरतों को बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि नारी नारी की दुश्मन है। सबसे पहली बात है, जहां गणेश की बात है वहां गणेश की मामले में नारी नहीं करनी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए और मांगे पैसे ना मांगे, बहुत चीज को मांगे चाहिए पैसे क्या करनी है, उसमें 20-50 करोड़ आ जाता है, बहुत सारा चीज। अगर हम नारियों बदल रहा है, नारियां अगर देश की बदल रहा है तो ये युग ही बदल जाएगा। ये हम भजन है जो हम बाद में सुना दिए, राम नारिया भी इसकी जान जाए अगर पुष्पिनी बदलते चले जाएंगे, तो हमें खुद बदलना है, हमें दूसरे को आश्रित नहीं रहना है, हमें इतना विवेक होना चाहिए, ऐसी क्षमता से जुड़ना चाहिए। हमारा गायत्री परिवार ये काम कर रहा है और हमें लगता है जहाँ तक अपनी अपनी बात है कि हमारा गायत्री परिवार इसमें अग्रणी है और सबको बदल के रखेगा। जहाँ तक मेरा विश्वास है अपने गुरु पर, हमारे गुरु न किसी जाति से है न किसी संप्रदाय से है, वो सारे मनुष्य जाति से है। अभी रमना मैदान में हमारे को जो यज्ञ होने वाला है, हमको मिला है ईश्वर को मुसलमान वर्ग को और जितने हम लोग से आए हैं उन लोगों को, और इस मंदिर में क्या करते हैं जो बोलते हैं गुटका पान मसाला जितनी गलतियाँ इसी मंदिर में डाल देते हैं, यही गलत हुआ। तीसरा है मन को अच्छा रखेंगे, विचार अच्छा रखेंगे। चौथा है हमारा इंग्लिश है मन, हम डॉक्टर का क्यों आते हैं क्योंकि आज पेट में डालते रहते हैं उनको नहीं सुबह शाम तक बस के बाद पेट में डाल जाए, ये बिल्कुल ये नहीं बहुत अच्छा है। इसमें सैनिक जीवन जीना चाहिए, फिर आज से हम पैसे की बर्बादियाँ करें, फिर समय की भी बर्बादियाँ करें और विचार का भी बर्बादियाँ करें। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग माने, हम क्या समाज है तो हम हैं, अकेले में हम कुछ नहीं कर सकते। फिर महिलाओं को पालन में महिलाओं से बच्चे में नारी कर्तव्य का पालन करेंगे, फिर समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी और पार्टी को जीवन का एक अच्छी अंग मानेंगे। जो समझदार होता है उसको तो कुछ काम करने को मिलता है, इसलिए संगीत सिखाते हैं मेरी शिकायत से ये जिम्मेदारी पूर्वक काम करते हैं, फिर ईमानदारी आनी चाहिए। Thank you.
पासबुक हमें महिला से बात करनी है। वो खुश है कि नहीं, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो पढ़ना चाहती है, सिलाई ऐसे तो नहीं, शादी होगी तो मैं सब काम करूँ।
सिलाई सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बहुत सी बेटियां भी हैं जो यहाँ पढ़े तो सारी पढ़े, कोई नहीं पढ़ा है, ऐसा हम लोग बस देख रहे हैं ना कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, अंदर जाके देखिए अभी भी पढ़ने ही वाला बात है, कोई हाँ लड़की कंप्यूटर कहते हैं पास करके शादी के लिए पढ़ा रहे, बहुत कम ऐसे हैं शादी के लिए पढ़ाना जरूरी है, तो शादी के लिए जो पढ़ा रहे ना उनका बस हम लोग का माइंड खोलना है कि शादी के लिए मत पढ़ाइए, पढ़ाइए ऐसे पे कि जब उसको ठीक है अब शादी के लिए पढ़ा दी उसका पति मर गया अब आपकी बेटी भीख मांगेगी क्योंकि वो पढ़ी पढ़े वो क्या करेगी, एक बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकती है, पढ़ी लिखी है तो नौकरी की तो सवाल ही नहीं है, प्राइवेट में चाहे सरकारी में, तो आप शादी के लिए मत पढ़े, शादी के लिए नहीं पढ़ेगा तो हो जाएगा, लेकिन पति उसका मर जाए उसके दो बच्चे हो गए तो क्या वो भीख मांगेगी ना, और क्या करेगा, हमें समाज को सुधारना है, महिला बदलना मतलब समाज बदलना, पुरुष के पुरुष तो शुरू से ही एडवांस है, कहाँ समाज हमारा एडवांस हो गया, नहीं हुआ क्यों, क्योंकि हम लोग पीछे हैं, हम लोग जब तक आगे नहीं जाएंगे तो हमारा समाज नहीं बदलने वाला है, पुरुष तो हमेशा से आगे है, पुरुष का तो काम ही कमाना, औरतें कमाए तब ना औरतें को उस लायक बनाया तो जाए, पति जब तक जिंदा है पत्नी घर में है ऐसे है, मर गया तो रोड पे आ गई, क्यों रोड पे आ गई भाई, तुम पढ़ाए नहीं तो लड़की क्या करे, उसकी तो 10 वर्ष में शादी हो गई पढ़ी नहीं, चाहे कोई भी कारण थी कि शादी 21 वर्ष हुई लेकिन वो पढ़ी तो नहीं ना, शादी से क्या मतलब है, मतलब है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, बहुत सारा औरतों के लिए काम आया है जो कि अभी तो बस हम यही तो देख रहे हैं हमारे गांव में है तो क्यों हम तो बहुत आगे हैं, मैं तो अभी प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ लेकिन मैं तो बहुत आगे हूँ जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मेरे साथ अभी क्या कभी ऐसा हो जाए 1 रुपया हमको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, भले हम ऐसे नहीं रहेंगे अपने खाने पर तो कमा लेंगे, किसी से मांगने की तो जरूरत नहीं है, तो ये चीज हमें महिलाओं में डालना है कि अपने कमाओ इतना कमाओ कम से कम कम से कम खाओ इतना कमाओ, कहा गया वो मैडम और उन्होंने बोली थी कि नारी का मतलब क्या है और नारी का मतलब क्या होता है बहुत सारा है, लेकिन मैं एक ही लाइन में कहूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है, और जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी अपनी सुरक्षा हम अपने आप नहीं कर सकते, इसलिए आज के दिन हम पुरुषों से गुजारिश करेंगे कि हमारी सुरक्षा वो करें उनके हाथ में, हम रोड पे चल रहे पढ़े लिखे शिक्षित है मेरा अधिकार है मैं नौकरी करने जा रही हूँ, मेरा अधिकार तो मुझे मिल गया लेकिन सुरक्षा कौन देगा, मैं तो नहीं कर सकती अपनी सुरक्षा, वो तो पुरुष ही करेंगे, पर्सनली मैं और भी बहुत सारी बातें जो पुरुष को नहीं बोलूंगी लेकिन इतना कहूंगी कि वो हमारी सुरक्षा करें, उनको हमारी सुरक्षा करनी है, और नहीं तो फिर जब पुरुष नहीं बदलेंगे हमारी सुरक्षा के मैटर में तो हम सुरक्षित नहीं है, कभी नहीं है घर में है ना बाहर है कभी नहीं है, तो हमारा हेल्प करना पड़ेगा, अब सरकार को हमें आगे बढ़ा रही है, वो आगे क्या हमें भीख दे रही है, हमारा अधिकार है बढ़ा रही है, हमारा अधिकार है कि हम पढ़े तो पढ़ा रही है, जो लोग नहीं पढ़ा रहे बेटियों को उनको पता है कि पढ़ाओ तो हमारा अधिकार दिखा रही है, वो हमें भीख दे रही है, ऐसा नहीं करे ऐसा हमें थोड़ा सा बस पुरुषों को करना है कि हमारी इज्जत करें और कुछ नहीं, बाकी तो हमारा अधिकार है जिनको भीख नहीं रहा है वो हमारा है जो छीन कर बैठे हम मांग रहे हैं, हमको पढ़ाओ हम नौकरी कर देते हैं भीख नहीं मांगे, पुरुष जुर्म कर रहे तो नहीं सहेंगे क्योंकि हमारा अधिकार है नहीं सहेंगे, लेकिन राह चलते कुछ है खाली कर रहे उसमें हम क्या हो सकते हैं, तो उसको समझे उसको हम सजा देंगे सरकार क्योंकि हमारे साथ ही उसको सजा देंगे, लेकिन हम क्या बताना उचित भी नहीं है आप क्योंकि लेट से आए बताने फायदा भी नहीं है, और सबसे पहले डिंपल जी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला एकदम परफेक्ट बोला, महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और महिलाएं जागरूक होंगी तो समाज भी जागरूक होगा आगे बढ़ेंगे, आजकल मतलब पढ़ाई जो है इम्पोर्टेंट तो है, अगर मान लीजिए कोई महिला नहीं भी पढ़ी है लेकिन उसके पास दिमाग है उसको रियलाइज कर सकती है, अगर कोई कम भी पढ़ा है ना तो मान के चलिए उन्होंने बचपन में पढ़ाई नहीं की ठीक है, लेकिन अब उसको पछताने से कोई फायदा नहीं है, जो भी जितना पढ़ा है उसको यूटिलाइज करे, अपने मान के चलिए बच्चे हैं घर में छोटे ना तो समझ जाए कि उनको शिक्षा अच्छा दे आगे, हमने नहीं पढ़ा चलो ठीक है लेकिन मेरा परिवार आगे बढ़े मेरे बच्चे आगे बढ़े, और जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाएँ वही घर को अच्छे से संभाल सकती, अगर महिलाओं के अंदर समझदारी है तो अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला सकती है ठीक है, और दूसरी बात है कि जो भी है समाज में जो पुरुषों को लेके है कि महिलाएं असुरक्षित है वो तो सही बात है, लेकिन उसके लिए भी घबराने की बात नहीं है, अगर हमारा समाज जाग
सभी जो भी चीज़ें वो सब घटेगी ही। दूसरी चीज़ें है कि महिलाएं, देखिए महिलाओं को पुरुषों पे डिपेंडेंट नहीं होना। हम तो आज के दिन में यही बोलेंगे किसी भी महिला को ऐसा नहीं है कि अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो। अगर वो हाउसवाइफ भी है ना तो उसको डिपेंडेंट नहीं होना है, अपना सारा काम खुद करना है। जैसे उसको इलाज कराना है तो बहुत सारे, मतलब मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लेडी आती है बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड के पास समय नहीं था इसके लिए मैं इलाज में लेट हो गया। तो उस बीमारी है तो उसको बढ़ाना नहीं है, खुद बाहर निकलना है। जैसे आप लोग आए कितना अच्छा लग रहा है, उसी तरह घर में नहीं बैठना है, बाहर निकलना है, अपना हर काम करना, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो ये नहीं कि मेरा हस्बैंड जाएगा एडमिशन कराएगा तब मेरा बच्चा पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप निकलिए, आपको ज़रूरी है कि वो क्या लिखा है वो चीज़ नहीं समझ में आएगा कि हाँ कम पढ़े तो क्या लिखा है उसके प्रोस्पेक्टस में नहीं समझ में आएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसको हर चीज़ को समझिए, जो सामने आपके टीचर हैं उनसे पूछ के भी बात कर सकते हैं कि हाँ ये क्या लिखा है, कैसे एडमिशन होना है, प्रोसेस क्या है, जो भी चीज़ें हैं, और उसको हर चीज़ को आगे करना है, फिर डिपेंडेंट नहीं रहना है पुरुषों पे। दूसरा है, मान के चलिए आप पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी है, और पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है ही, आजकल तो सब लोग शिक्षित होना चाहिए बने जो भी है। जैसे कि आजकल क्या है, देखिए म्यूज़िक के क्षेत्र में कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा म्यूज़िक बजा रही है, या फिर जो कढ़ाई कर रही है घर में ही है, हाउसवाइफ ही है, अगर उनको सिलाई, लेकिन आप नहीं पढ़ी हैं तो उसका अफसोस भी नहीं करना है, जिस क्षेत्र में है उसको आगे बढ़ाना है। मान के चलिए लेडीज हैं, अब उनको क्या है कि अपने हस्बैंड का, अपने परिवार का केयर करना है, तो उनको क्या डाइट होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये चीज़ तो समझदारी होती है कि आप घर को कैसे चला रहे हैं। मान के चलिए पढ़ी लिखी नहीं भी हैं तो उनको घर को चलाना आना चाहिए, घर में किस के कौन है तो उनको कैसा डाइट चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत, अगर आदमी ध्यान रखे तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है एक महिला के लिए। शिक्षा के साथ साथ मान के चलिए पढ़ी लिखी लेडीज ही हैं और अपने घर को अच्छे से केयर नहीं करी, अपने बच्चों को अच्छे से केयर नहीं करी है, तो वो भी चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि परिवार में आजकल क्या है कि महिलाएं अगर जॉब करने लग रही हैं तो बच्चे जो होते हैं ना उनका केयर भी नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि हमको जॉब तो करना ही है बट अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को टाइम देना है और केयर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बोलेंगे आज वीमेंस डे पे, मतलब महिलाएं कैसे आगे बढ़े ये महिलाओं को ही सोचना है, पुरुषों को तो सोचना है, वो तो साथ देंगे ही, लेकिन आप तो आगे बढ़िए तब तो आपको सपोर्ट करेंगे पीछे से, ठीक है। और ज़्यादा बोलने से ठीक है, बस इतने भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मुख्य अतिथि जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, बहनों भाइयों और छोटी बच्चियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए मैं पहले राजेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने यह काम आरंभ किया। मैं कुछ अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आरंभ है 1956 में, जब केमिस्ट्री की पढ़ाई बीएससी तक हुई तो मैंने जैन कॉलेज में ज्वाइन किया, और उस समय का हाल ये था कि कोई भी लड़की, जैसा कि आपने कहा कि पति लोग बाहर निकलने नहीं देते थे, और साइकिल पर अगर कोई चल जाए तो हजारों दर्शक चकित रहेंगे, इसकी लड़की साइकिल पर चल रही है, तो बहुत से टैबूज थे। हमारे यहाँ पढ़ने के लिए अगर आते थे तो लड़कियां कभी भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकती थी, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकती थी, सोचा ही नहीं जा सकता था, बायोलॉजी पढ़ती थी, डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन इंजीनियर बनना मुश्किल था। आज हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर
हर क्षेत्र में महिलाएं आ गई, लेकिन वो सब गौरव गाथा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अपनी कमजोरियां बताना चाहता हूँ। क्योंकि गौरव गाथा कहूंगा तो बड़ी लंबी बात है। एक समय था जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब भी खल कोई बली होता है समाज में खलबली होती है, खलबली हो जाती है। उस खलबली को मिटाने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो दुर्गा सप्तशती का प्रारंभिक बात बता रहा हूं। एक खल बली हो गया और वो खल ऐसा बली हो गया कि सारे देवताओं को परास्त कर दिया उसने, सब गिरी कंदराओं में जाकर छिप गए। तो एक स्त्री आई, वो सारे देवताओं की शक्ति मिलकर के आई और वही या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण सृष्टा। तो वो शक्ति वहीं से शुरू हुई। इसके माने कि आदि में जो है बड़ी दुख होती है कि हमारे भारतवर्ष की नारी के लिए महिला दिवस मना रहे हैं और साल में एक बार किसी ने थॉट दिया है महिला दिवस, ठीक है तो उसके नजर में होगा महिला दिवस, लेकिन भारत भूमि जो है वो रो रही है महिलाओं की स्थिति को देख कर। हमारी जमीनी भारत भूमि वो रो रही है महिलाओं की स्थिति को देखते हुए। प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई घटनाएं घट रही है, चाहे मासूम बच्ची हो या बड़े बुजुर्ग हो या वृद्ध महिलाएं हो, 80 वर्ष की बड़ी वृद्ध महिलाएं हो, बड़े बड़े शहरों में घटना घट रही है। तो मुझे बहुत अंदर से चोट पहुंचती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ यहाँ पर कि मैं जब भी किसी औरत को देखता हूँ तो पहले उसके चरणों को मैं देखता हूँ, चाहे वो छोटी बच्ची हो या वृद्ध हो या नौजवान हो। मेरा हॉबी है और जिसके कारण मैं आज आप लोग के सामने थोड़ा खुशहाल नजर आता हूँ। तो आज ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि प्रतिदिन सोचना चाहिए कौतो आजम आ रही जनाई ले तुम्हें, कितने अनजान लोगों को तुमने परिचय किया। दूर के कोरिले निकट और बंधु, ऊपर के कोरिले भाग। दूर को अपना निकट बंधु बना लो और जो पर कहा जा रहा है उसको भाई बना लो। और साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विशाल विहीना, लिखा हुआ है कि साहित्य संगीत और कला में जो नहीं जानता वो पूछ रहित पशु है। तो इस पशुता से आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और इन सभी क्षेत्रों में महिला शक्ति नारी शक्ति दिखाई पड़े। इसी प्रतिज्ञा को लेकर आज हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से महिला दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाई गई। भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है इसे हम सभी मिलकर पूरा करें और अपने देश को स्वच्छ और सुंदर रखें। महिलाओं का जिंदाबाद, महिलाओं का जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिलाओं का जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बहनों भाइयों भाई सब तरफ महिला सशक्तिकरण की भारत माता की, भारत माता की जय की जय। महिला मोर्चा जिंदाबाद, जो गंदा हो गया है साफ हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जय भारत माता की जय। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ताओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया और इस वृक्षारोपण कर एक नई संदेश देने का कार्य किया गया कि वृक्ष के समान हम सभी अपने पुत्र और पुत्रियों को के साथ ही नारियों को सम्मान दें। आइए अभिषेक जी, एगो मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, आइस केला का पूरा पूरा
एनएसएस इकाई की तरफ से विश्व महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में वृक्षारोपण और सफाई का कार्यक्रम महाविद्यालय में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एनएसएस के जो स्वयंसेवक के यहाँ हैं, इसमें कई लड़कियाँ भी हैं, तो इन लोगों के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। दिन पर दिन मैडम महिला का सम्मान खत्म होते जा रहा है। ये तो समाज ऐसा है, ये तो सब समाज, पूरे समाज को सोचना पड़ेगा। ये ना तो सिर्फ पुरुषों का है, ना ही सिर्फ स्त्रियों का है। अगर किसी का सम्मान समाप्त हो रहा है तो ये तो पूरे समाज का दायित्व है। अब वृक्ष किस से लगाई आप? ये वृक्ष तो ये क्रॉटन है, वो जो ऑल क्रॉटन का पौधा है जो बारह मास रहता है। आर किड्स स्कूल बोरना रोड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गरीब छात्राओं के बीच वस्त्र, स्कूली वस्त्र वितरित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के जहां निदेशक के अलावा कई गणमान्य लोगों ने छात्र छात्राओं के बीच विद्यालय का पोशाक ड्रेस वितरित की। आपके शहर आरा में डिजनीलैंड मेला, जहां मिलेगा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाजार के साथ ही देसी विदेशी झूलों का संगम। टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला के साथ ही बच्चों के लिए जीप झूला, मारुति झूला, घोड़ा डोला और हंसने कूदने के लिए मिक्की माउस। तो दोस्तों आप आए, सब परिवार आए और अपने दोस्तों एवं पड़ोसियों को साथ लाए। डिजनीलैंड मेला रामनगर नाम। MI मोबाइल उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं। कंपनी ने अपने स्कूटी सर्विस सेंटर ग्राहकों की सेवा के लिए प्रारंभ कर चुका है। MI मोबाइल से संबंधित कोई भी परेशानी के लिए संपर्क करें वालिया कम्प्लेक्स द्वितीय मंजिल करमंटोला आरा। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझा तेरे बिना लगता जी। अभी भी देर नहीं, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना या मरम्मत कराना चाहते हैं तो आपके लिए देव कंप्यूटर। जी हां, आसूस, एसर, डेल, HP, लेनेवो का लैपटॉप के साथ ही HP, TVS, इप्सन का प्रिंटर विक्रेता। तो परेशानी छोड़ें, सेल और सर्विस के लिए संपर्क करें।
आपका अपना देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरी मंजिल करमन टोला आरा। देव कंप्यूटर वालिया कॉम्प्लेक्स तीसरा मंजिल करमन टोला आरा। नंबर है 8252662121। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुल्हरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। क्या आप अपने बजाज मोटरसाइकिल को सुंदर और मजबूत रखना चाहते हैं? तो केवल ओरिजिनल पार्ट्स के लिए न्यू बजाज केयर से संपर्क करें, जहां आपको मिलता है बजाज कंपनी के मोटरसाइकिलों का ओरिजिनल पार्ट्स, वो भी उचित मूल्यों पर। संपर्क करें न्यू बजाज केयर हॉस्पिटल रोड आरा। नंबर है 9386934868। आपका अपना दुकान न्यू बजाज केयर हॉस्पिटल रोड आरा। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सेंस ज्वेलर्स। आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। एक बार गुरु प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तराली में विश्वपुरा सहयोग फाउंडेशन की ओर से गरीब महिलाओं के बीच बर्तन वितरित किया गया। बर्तन वितरित करने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो दहेज मुक्त अभियान राज्य सरकार चला रही है उसमें सहयोग मिले और अन्य लोगों को भी सहयोग मिल सके। शादी विवाह के मौसम में जहां लोगों को बर्तन खरीदना ना पड़े और इसी उद्देश्य सहयोग फाउंडेशन की ओर से बर्तन वितरित किया गया। गरीबों के शादी के अवसर पर, लड़की के शादी के अवसर पर पूरा सहयोग फाउंडेशन के कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह, अजय सिंह, उनके साथ अन्य सहयोगी ने त्रारी ग्राम में गरीबों के बीच बर्तन वितरण किए और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसे पुत्र का जन्म दे इस त्रारी प्रखंड में, ताकि गरीबों के सहायता और सहानुभूति करते रहे। इसके साथ साथ इनके पहले भी कार्यकारी कल्याण योजनाएं बहुत सारा चलाया गया था, जो कि गरीब बच्चों के बीच में इन्होंने पोशाक राशि और इसके बाद में बैग बांटने का काम किए थे। इसके पहले गरीब पे जाड़े के समय में कंबल भी 250 वितरण करवाने का काम किए थे। इसलिए हम सब लोगों के तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं, ताकि इनको अधिक से अधिक कृति का विकास हो, आऊ का विकास हो और जस का विकास हो। धन्यवाद। गरीबों के शादी के अवसर पर, लड़की के शादी के अवसर पर इसे पूरा सहयोग फाउंडेशन के कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह, अजय सिंह, उनके साथ अन्य सहयोगी ने त्रारी ग्राम में गरीबों के बीच बर्तन वितरण किए
और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसे पुत्र का जन्म दे इस त्रारी प्रखंड में, ताकि गरीबों के सहायता और सहानुभूति करते रहे। इसके साथ साथ इनके पहले भी कार्यकारी कल्याण योजनाएं बहुत सारा चलाया गया था, जो कि गरीब बच्चों के बीच में इन्होंने पोशाक राशि और इसके बाद में बैग बांटने का काम किए थे। इसके पहले गरीब पे जाड़े के समय में कंबल भी 250 वितरण करवाने का काम किए थे। इसलिए हम सब लोगों के तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं, ताकि इनको अधिक से अधिक कृति का विकास हो, आऊ का विकास हो और जस का विकास हो। धन्यवाद।